नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीकेंड न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और इन चुनाव नतीजों में नगर निगम पर अरविंद केजरीवाल का कब्जा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी को करारी हार मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का तो यहाँ पर नामो निशान भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब जो मैं खबर आपको बता रहा हूँ वो ये है कि वसंत कुंज सीट जो काफ़ी चर्चा में रही उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वसंत कुंज सीट पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो शर्टलेस उसमें दिखाई दे रहे थे और बीजेपी ने कई आरोप आपके कैंडिडेट पर लगाए थे। मैं बात कर रहा हूं अमरजीत छिल्लर की, जिन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से वसंत कुंज सीट पर प्रत्याशी बनाया गया था और उन्होंने जगमोहन मेलावत को टक्कर दी थी बीजेपी के। लेकिन अब खबर यह है कि उस सीट पर बीजेपी काबिज हो चुकी है और बीजेपी ने जगमोहन मेलावत जो बीजेपी की तरफ से खड़े हुए थे उन्होंने आपके अमरजीत छिल्लर को करारी हार दे दी है। अब उस वीडियो की बात कर लेते हैं जल्दी से, क्या वीडियो वायरल हुआ था और बीजेपी ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरा था। दरअसल अमरजीत छिल्लर का एक वीडियो बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया था जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं तंज भरे लहजे में यहाँ पर कहा गया था वो यहाँ पर पार्टी करते हुए नजर आए थे। इस वीडियो में साफ ये देखा गया था कि जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के वो एक स्विमिंग पूल के पास पार्टी कर रहे हैं, शर्टलेस हैं और साथ में बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था कि इनके हाथ में एक शराब का गिलास भी है, यानी ये शराब का सेवन कर रहे हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर खूब बीजेपी भड़क उठी थी, काफ़ी आरोप गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए थे, काफ़ी बवाल इसके बाद मचा था। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, लोगों ने प्रतिक्रियाएँ तरह तरह की यहाँ पर दी थी। लेकिन अब खबर जो है ये है कि अमरजीत छिल्लर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वसंत कुंज सीट से अब बीजेपी से हार गए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जगमोहन के समर्थक हैं उन्होंने पहुंचकर सड़कों पर पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो अब अमरजीत छिल्लर जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उनको करारी हार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिल चुकी है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।